अगर आपको किधर जाना होता है तो आप जाके तो गाड़ी में नहीं बैठ जाते हो ना, कोई भी गाड़ी खड़ी होगी तो उसमें नहीं बैठ जाओगे ना, पहले क्या पूछोगे ये गाड़ी जा कहाँ रही है, पहले क्या पूछेंगे। अगर आपको किधर जाना होगा तो गाड़ी वाले को पूछोगे ना कि भाई किधर जाना है, तो आपको भी ये डिसाइड करना है कि ऊपर जाना है, बीच में आना है, या मरने जाना है और नीचे जाना है। पहले डिसाइड करना पड़ेगा, किधर भी नहीं बैठ सकते, हम कुछ भी खा लेते हैं, ये जो गुण है वो खाने पर भी इफेक्ट करते हैं, सोने पर भी इफेक्ट करते हैं, कब सो रहे कब जाग रहे हैं, ये जो है ना हर चीज पर इफेक्ट करते हैं। यज्ञ दान तपस्या जो भी हम करते हैं ना वो सारे भगवान अभी बताएंगे कि आप जब दान देते हो वो भी तीन प्रकार का होता है। अगर आप सत्वगुण में दान देते हो तो किसी शुद्ध वैष्णव भक्त को दोगे कि भाई मंदिर को यहाँ पर भंडारा मेरी तरफ से कर दो। अगर आप रजोगुण में दान दोगे तो ऐसी जगह पे दोगे जहां पर चार लोग वाह वाह कर रहे हैं, वाह वाह इसने तो कितना दान दिया। और तमोगुण में दान दोगे तो रस्ते में किसी ममानी चर्सी को देके आ जाओगे। दान तो दान है ना, उसका इफेक्ट भी कैसे चलेगा। आप जब यज्ञ करोगे ना, यज्ञ जब भगवान की प्रसन्नता के लिए करोगे तो सत्वगुण में करोगे, यज्ञ कुछ प्राप्त करने के लिए करोगे तो रजोगुण में करोगे, और यज्ञ ऐसी जगह पे करोगे जहां पर वो पवित्र ब्राह्मण नहीं होगा, आपका पवित्र भाव नहीं होगा, तो वो यज्ञ भी तमोगुणी हो जाएगा।